Chapter number 3, loading and coagulation. This is a topic. Sometimes the dirt particle in river or canal water are not heavy enough to settle easily. हमने देखा होगा कि रिवर और कैनाल का जो वाटर होता है वो थोड़ा गंदा सा दिखाई देता है. इन सच केसेस सम केमिकल सच एज द एलम इज एडेड टू द वाटर. तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि हम उसमें थोड़ा सा एलम मिला देते हैं. एलम मीन्स होती है फिटकरी. द डिजॉल्व पार्टिकल ऑफ एलम, एलम के जो पार्टिकल्स उसके साथ घुल जाते हैं. लोड द फाइन क्ले पार्टिकल, जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उन पर वो लोडेड हो जाते हैं. दस लोड मतलब उन पर बैठ जाते हैं. दस अ पार्टिकल बिकम हैवियर एंड अ सेटल डाउन, और जो पार्टिकल होते हैं हैवी हो जाते हैं और सेटल डाउन नीचे बैठ जाते हैं. देन द क्लियर वाटर इज अ सेपरेट बाय द डिकंटेशन, और डिकंटेशन प्रोसेस द्वारा साफ पानी जो आगे निकल जाता है और जो हैवी पार्टिकल्स उस नीचे बैठ जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ द इम्प्रूविंग द सेटलिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पार्टिकल बाय द एडिंग टू द स्पेशल केमिकल. तो इम्प्रूविंग करने के लिए हमें सॉलिड पार्टिकल्स को तो स्पेशल केमिकल सच एज द एलम उसमें मिलाना पड़ता है. इज कॉल्ड अ कोगुलेशन और द लोडिंग, इसको हम कोगुलेशन या लोडिंग कहते हैं. तो एलम इज कॉल्ड अ कोगुलेटिंग एजेंट, और उसको हम एलम को कोगुलेटिंग एजेंट भी कहा जाता है. एलम मीन्स होती है फिटकरी. तो नेक्स्ट टॉपिक, जैसे आप देख सकते हैं ये वाटर है, डर्टी वाटर, ये एलम है, इसमें एलम डाला गया है. तो आप देख सकते हैं डिकंटेशन प्रोसेस द्वारा तो साफ पानी हो गया और ये गंदा पानी, और जिसमें जो साफ हो गया फिर नीचे उनमें सेटल डाउन हो गया. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन फॉर आवर यंग फ्रेंड्स. तो ये टॉपिक है हमारा एडरेशन ऑफ फूड, फूड में मिलावट जो होती है. देर आर द सर्टेन मिक्सचर मेड नोइंगली वेयर इन चीप एंड हार्मफुल कंपोनेंट मिक्स विद द प्योर. तो बहुत सारे मिक्सचर्स हम देखते हैं जो हम जानते हुए फिर उसमें सस्ता खरीद सस्ता बनाने के चक्कर में बहुत हार्मफुल भी होते हैं. तो कंपोनेंट्स मिक्स विद द प्योर, अच्छे के साथ बुरा मिला दिया जाता है. इस सच वे दैट द टू कंपोनेंट आर नॉट आइडेंटिफाई सेपरेटली. तो उसमें दोनों हम दोनों चीज़ों को अलग अलग नहीं पहचान सकते. तो हैंस दे कैन नॉट बी सेपरेट, इनको अलग भी नहीं कर सकते. तो मिक्सिंग ऑफ सच कंपोनेंट्स कॉमन विद द आइटम ऑफ फूड, तो वो कॉमन हो जाते हैं. तो दिस इज़ नोन एज अ एडोरेशन ऑफ फूड, ये फूड में यानी कि भोजन में मिलावट कही जाती है. सम ऑफ एग्जाम्पल आर गिविन बिलो, कुछ नीचे आपको एग्जाम्पल दिए हैं. मिक्सिंग ऑफ पपाया सीड विद द ब्लैक पीपर, काली मिर्च के साथ आपने देखा पपाये के बीज मिला दिए जाते हैं. मिक्सिंग ऑफ डर्ट वाटर विद द मिल्क, गंदा पानी जो होता है दूध के साथ मिला दिया जाता है. मिक्सिंग ऑफ द केसरी दाल विद द अरहर दाल, अरहर दाल से केसरी दाल मिला दी जाती है. और मिक्सिंग ऑफ द आर्गमोन सीड विद द मस्टर्ड सीड, आर्गमोन सीड को मस्टर्ड सीड से हमने मिला दिया जाता है. द ऑयल वी गेट फ्रॉम दिस मिक्सचर सीड इज़ अ पॉइजनस एंड हार्मफुल, इससे जो मिक्सचर प्राप्त होता है ऑयल का बहुत पॉइजनस और हार्मफुल हो सकता है. तो देर आर द न्यूमरस एग्जाम्पल ऑफ द एडोरेशन, तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं मिलावट के. वैन यू कम अक्रॉस सच केसेज, जब आप ऐसे केसेस से आपके सामने आते हैं तो यू मस्ट रिपोर्ट दीज टू द लोकल फूड इंस्पेक्टर. तो आपके जो लोकल क्षेत्र में इंस्पेक्टर्स रहते हैं अपॉइंटेड बाय द म्यूनसिपल या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं, उनको आप रिपोर्ट करिए. टू सेव योर हेल्थ, अपना स्वास्थ्य बनाइए, उसको बचाइए. इट इज़ बेटर टू परचेज ब्रांडेड फूड, इससे बचने के लिए अच्छा तो ये है कि अच्छे ब्रांडेड भोजन फूड्स खरीदें. आइटम फ्रॉम द ऑथराइज डीलर्स ओनली, केवल उसी ऑथराइजर से डीलर से भोजन की सामग्री खरीदें जो ऑथ. दैट इज़ अ adoration of food.